दोस्तों थंबनेल आपने देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले आप लोगों की डिमांड पे। दोस्तों आज हम कंपैरिजन लेके आए, एक तरफ है 5G जो दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी बोली जा रही है, जहां पे आपको 100 200 300 400 एमबीपीएस नहीं 500 और 1 Gbps की स्पीड मिलने वाली है। 5G दोस्तों भारत में 2022 की शुरुआत से आपको देखने को मिल जाएगा, जहां जियो एयरटेल वीआई जैसी कंपनी दोस्तों अपनी 5G को डिप्लॉय कर रही है। महंगा होगा लेकिन बहुत खतरनाक स्पीड होगी। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों इंटरनेट की दुनिया को चेंज करने के लिए, भारत में इंटरनेट की क्रांति लाने के लिए सैटेलाइट इंटरनेट ब्रॉडबैंड भी 2022 की शुरुआत में आपको देखने को मिल सकता है, जहां पे इलोन मस्क की दोस्तों स्टारलिंक, एयरटेल का वन वेब, अमेजन का क्यूपर और टाटा का दोस्तों टेलीसेट दोस्तों यहां पे आने वाला है। क्या होगा दोस्तों जब यहाँ पे दो महारथी, एक दोस्तों सैटेलाइट इंटरनेट ब्रॉडबैंड और एक दोस्तों यहाँ पे 5G जब भारत में अपनी सर्विसेज देंगे, कौन सा दोस्तों आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होने वाला है, कौन सी टेक्नोलॉजी ज्यादा दोस्तों यहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट करेगी, सस्ता इंटरनेट आपको कहां मिलेगा, क्या 5G से या दोस्तों सैटेलाइट इंटरनेट से, इन दोनों की चर्चा करेंगे, कंपैरिजन करेंगे इस वीडियो के अंदर। प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील फैंस। तो फ्रेंड जैसे कि आप सभी जानते हैं 5G, आज हम दो चीजों को कवर करने वाले, दोनों ही दोस्तों इंटरनेट की दुनिया में क्रांति लाने वाले। एक 5G, दोस्तों 5G बहुत सुपर फास्ट होने वाला, पूरी दुनिया 5G के पीछे भाग रही है। यस, जहां पे 1 Gbps तक की स्पीड मिल रही है। अभी फिलहाल दुनिया की बात कर लिया तो दुनिया में सबसे फास्टेस्ट 5G की स्पीड सऊदी अरब में 350 Mbps। यस, एक्चुअल तो स्पीड इतनी मिलती है, 1 Gbps ट्रायल में मिलती है, लेकिन दोस्तों ये स्पीड यहां पे मिल रही है। तो इस तरह की खतरनाक स्पीड दोस्तों आपको फ्यूचर में मोबाइल पे मिलने वाली है। यस, मोबाइल पे अभी तक पॉसिबल नहीं था, लेकिन मोबाइल पे आपको मिलने वाली फाइबर की स्पीड मोबाइल पे। तो ये 5G होगा दोस्तों, जहां पे आप कहीं भी हाई एंड दोस्तों डेटा को कंज्यूम कर सकेंगे, देख सकेंगे, दोस्त स्ट्रीम कर सकेंगे, ये 5G का ड्रामा। दूसरी तरफ अगर देखें तो सैटेलाइट इंटरनेट ब्रॉडबैंड दोस्तों एक नए आयाम पे काम कर रहा है, जहां पे कोई फाइबर की जरूरत नहीं। अगर अभी दोस्तों मैं जो इंटरनेट यूज कर रहा हूं मेरे घर पे, वो फाइबर है, फाइबर जमीन पे बिछाया जाता है, सब कुछ किया जाता है, और दोस्तों सिटी में तो मिल गया, लेकिन गांव में ऐसे दूर सुदूर एरिया के अंदर पहाड़ों में कहां फाइबर मिलता है, नहीं मिलता, तो वहां पे क्या होगा। वैसी जगहों को ध्यान में रखते हुए सैटेलाइट ब्रॉडबैंड दोस्तों सर्विस काम आती है, जहां पे सैटेलाइट अर्थ के लोअर ऑर्बिट पे दोस्तों हजारों सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, वो उनको दोस्तों यहां पे डायरेक्टली वहां से आपके घर पे, यस आपकी छतरी लगी होती है, डायरेक्ट वहां से आपको डायरेक्ट इंटरनेट ट्रांसमिट किया जाता है, जहां पे आप बैठे बैठे कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में आप हाई स्पीड इंटरनेट यूज कर सकते हैं। यह सैटेलाइट इंटरनेट ब्रॉडबैंड। तो दोनों को कंपेयर करते हैं, पहले करते हैं 5G की बात और फिर देखेंगे फाइनली कि दोनों में से कौन सी टेक्नोलॉजी आपके काम आने वाली भारत के अंदर। 5G की बात करें दोस्तों तो दुनिया में पूरी जगह 5G स्टार्ट हो चुका है, मतलब कुछ कुछ जगह पे चालू हो चुका है, पूरी दुनिया 5G के लिए पागल हो रही है, लेकिन भारत में 5G का दोस्तों क्या हाल है। मैं आपको समय समय पर डेडिकेटेड वीडियो बता के बताता ही रहता हूं कि भारत के अंदर भारत सरकार ने ट्रायल के लिए स्पेक्ट्रम दे दिया, ट्रायल स्टार्ट हो चुकी है, जहां पे जियो, एयरटेल, वीआई, यहां तक कि बीएसएनएल और एमटीएनएल भी दोस्तों सीडेट के साथ मिलकर, सरकारी कंपनी की संस्था के साथ मिलकर अपने 5G ट्रायल्स कर रही है। तो 5G ट्रायल स्टार्ट हो चुकी है, जहां पे जियो भी दोस्तों यहां पे दावा कर रहा है कि मैंने नई मुंबई के अंदर अपनी खुद की 5G जो डेवलप की, यहां पे 1 Gbps की स्पीड निकल के आई। जहां पे दोस्तों वीआई भी दावा कर रहा है कि मैंने पूना में और गांधीनगर में एरिक्सन के साथ मिलकर अच्छी खासी स्पीड यहां पे अचीव की, और एयरटेल ने तो दोस्तों अपने टेस्ट लाइव किए सबके सामने। मुंबई में दोस्तों फिनिक्स मॉल के अंदर यहां पे बात कर लीजिए तो ऑलमोस्ट 1 Gbps की स्पीड आई। अगर बात करो दोस्तों गुड़गांव में तो वहां भी दोस्तों यहां पे उसने ऑलमोस्ट 1 Gbps की स्पीड अचीव की है। मतलब 5G में जो स्पीड अचीव हो रही है वो 1 Gbps की स्पीड अचीव हो रही है, लेकिन जब आप तक आएगा ना तो 1 Gbps नहीं होगा, ये स्पीड 300-400 Mbps तक हो जाएगी, क्योंकि फिलहाल पूरी दुनिया में 5G की स्पीड सबसे फास्टेस्ट आती है सऊदी अरब में, ऑलमोस्ट 350 Mbps की स्पीड आती है। लेकिन अगर 300-400 Mbps की स्पीड आती है तो फिलहाल जो आप मोबाइल से इंटरनेट यूज करते हैं ना, वो 20-30-40 Mbps, इससे 10 गुना ज्यादा स्पीड होगी, 10 गुना फास्ट इंटरनेट आपको मिलने वाला है। लेकिन एक चीज याद रखना दोस्तों, जब हर चीज एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट, जब आपको फास्ट इंटरनेट मिल रहा है, फास्ट सर्विस मिल रही है मोबाइल पे, ब्रॉडबैंड से भी खतरनाक स्पीड अगर आपको मिल रही, तो आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। और वैसे भी मोबाइल के ऊपर डेटा दोस्तों अनलिमिटेड होता ही नहीं है, आपको वहां पे हर रोज 1 GB 2 GB 3 GB डेटा मिलता है, ठीक है। तो लिमिटेशन यहां पे मोबाइल डेटा पे आ जाती है, तो जितना फास्ट डेटा आप यूज करेंगे, जितना महंगा डेटा आप यूज होगा, और उतना ही दोस्तों आपको डेटा कम यहां पे मिलने वाला, क्योंकि जितना फास्ट डेटा यूज करेंगे इंस्टेंटली आपका डेटा खत्म हो जाएगा। तो डेटा की लिमिटेशन आपको यहां पे होने वाली है, और जैसा कि मैंने बताया कि 5G 4G से आपको डेफिनेटली थोड़ा महंगा आपको पड़ने वाला है, लेकिन डेटा की लिमिटेशन यहां पे होने वाली है। लेकिन एक एडवांटेज होता है दोस्तों मोबाइल टेक्नोलॉजी का, कि आपको ये जो है कहीं भी आपका मोबाइल आपके पास, आप कहीं से भी इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। फाइबर ब्रॉडबैंड वगैरह में आपको बस मेरे रूम से आगे नहीं जा सकता मैं, अगर मोबाइल में तो कार में कहीं भी आप दोस्त के घर गए वहां पर भी इंटरनेट एक्सेस कर सकेंगे, पहाड़ों में बैठे वहां पर एक्सेस कर सकेंगे, तो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। और 5G बोलते हैं कि लो लेटेंसी के साथ आएगा और अच्छी खासी स्पीड यहां पर लोगों को देने वाला है। तो
5G की अगर बात करें दोस्तों, थोड़ा महंगा तो होगा लेकिन 5G के अंदर आपको 300, 400, 500 Mbps की स्पीड यहां पे मिलने वाली है। तो ये है दोस्तों 5G की सच्चाई, जहां पे फिलहाल भारत के अंदर Airtel, Jio, Vi और BSNL और MTNL जैसी कंपनियां 5G की ट्रायल कर रही है। और बात ये की जा रही है कि 5G जो होगा 2022 की शुरुआत में जनवरी फरवरी मार्च के आसपास में आपको भारत में कुछ कुछ सिटीज में आपको 5G देखने को मिल जाएगा। ये तो होगी पहली बात। अब चलते हैं हमारे सैटेलाइट ब्रॉडबैंड की तरफ दोस्तों, वो भी इंटरनेट में क्रांति लाने वाला है। इंटरनेट क्रांति दोस्तों 5G और सैटेलाइट ब्रॉडबैंड से ही आने वाली है। इंटरनेट क्रांति का मतलब पूरे के पूरे लोग, मतलब गांव-गांव तक अगर इंटरनेट पहुंच जाता है, गरीब से गरीब इंसान के पास इंटरनेट पहुंच जाता है, तो आप उसको इंटरनेट क्रांति बोल सकते हैं। सैटेलाइट इंटरनेट ब्रॉडबैंड की बात को तो सबसे पहले इलोन मस्क सामने आए थे दोस्तों, टेस्ला के मालिक। उन्होंने बोला कि मैं स्टारलिंक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूं, जहां पे पृथ्वी के दोस्तों लोअर ऑर्बिट में, यहां पे नीचाई के एरिया में, वहां पे ऑलमोस्ट हजारों सैटेलाइट्स वो यहां पे डिप्लॉय करने वाले, छोड़ने वाले हैं, जिन सैटेलाइट से दोस्तों इनके ग्राउंड स्टेशन जो होंगे डायरेक्टली ट्रांसमिट करेंगे यहां पे इंटरनेट, और वो डायरेक्टली आपके जो घर है उस पे छतरी पे ट्रांसमिट कर देंगे। आपका रिसीवर जो होगा, आपकी छतरी, वो डायरेक्ट इंटरनेट ग्रैब करेगी सैटेलाइट से। सीधा सीधा फंडा है, मतलब ग्राउंड स्टेशन से इंटरनेट सैटेलाइट में, सैटेलाइट से डायरेक्ट आपके घर पे आ रहा है, सीधा सीधा फंडा है। तो डायरेक्ट सैटेलाइट से इंटरनेट आपके घर पे मिलेगा। आप कहीं भी रहते हो, जंगल में, पहाड़ों में, नदी में, कहीं भी रहते हो, आपको कोई फाइबर आवर की जरूरत नहीं। आपको एक छतरी लगेगी आपके घर के ऊपर, वो बस आसमान आपको दिखना चाहिए, और आसमान से डायरेक्टली आपको सैटेलाइट से इंटरनेट मिल जाएगा। सीधा सुपर कॉन्सेप्ट है दोस्तों ये, जिस पे इलोन मस्क अपने स्टारलिंक पे काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ अमेज़न अपने क्यूपर पे दोस्तों काम कर रहा है, जिसके बारे में कुछ दिनों में ही अपडेट आएगी। नहीं, एयरटेल जो है दोस्तों वन वेब के साथ काम कर रहा है, वन वेब में उसने ऑलमोस्ट आधा हिस्सा परचेस कर रखा है भारतीय एयरटेल ने। तो वो भी दोस्तों यहाँ पे ऑलमोस्ट 2022 के मई जून तक अपना जो सर्विस है भारत में लॉन्च कर सकता है। उसके साथ साथ कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको बताया था कि टाटा, भारत की शान टाटा दोस्तों यहाँ पे जो कैनेडियन कंपनी टेलीसेट, उसको यहाँ पे परचेस कर सकती है, उसके अंदर कुछ हिस्सेदारी परचेस कर सकती है, उसके बाद पार्टनरशिप यहाँ पे कर सकती है, जिससे वो भारत के अंदर टेलीसेट की सर्विसेज दे सके, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस दे सके। तो टाटा भी आ चुका, अब चार बड़े प्लेयर दोस्तों भारत में सैटेलाइट इंटरनेट ब्रॉडबैंड देने वाले हैं। इसका कंसेप्ट क्या है दोस्तों, सीधा सैटेलाइट से इंटरनेट मिलने वाला है, लो लेटेंसी के साथ आएगा, अनलिमिटेड डेटा दिया जाएगा। ऐसी दोस्तों बात कीजिए, क्योंकि जब ब्रॉडबैंड मिलता है ना, उसमें ऑलमोस्ट अनलिमिटेड डेटा आपको मिलता है, मोबाइल से तो हजार गुना ज्यादा डेटा मिलता है आपको, ठीक है। मोबाइल वगैरह में आपको 5G में 1-2 GB, 3 GB डेली मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको अच्छा खासा हजार गुना डेटा मिलता है। प्लस आपको दोस्तों यहाँ पे लो लेटेंसी मिलेगी, अच्छी स्पीड मिलेगी, जो एयरटेल ने बीच में दोस्तों स्पीड टेस्ट किया था अपने प्रोजेक्ट के, 165 Mbps की स्पीड अचीव की थी, जो एक सैटेलाइट इंटरनेट के लिए बहुत बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे एलोन मस्क का दावा है स्टारलिंक के अंदर, एयरटेल का दावा है कि आने वाले 1-2 साल के अंदर में स्पीड को यहाँ पे 1 GBPS तक कर देंगे। 1 GBPS की स्पीड आपको मिलने वाली इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ, इंडिया नहीं पूरी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको सैटेलाइट से मिलेगी 1 GBPS की स्पीड। प्लान की बात करें दोस्तों, प्लान अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन एयरटेल की बात करें तो एयरटेल बहुत चीप रेट में यहाँ पे प्लान लॉन्च कर सकता है, 700-800 रुपए पर मंथ के अंदर दोस्तों आपको 50 से 100 Mbps अनलिमिटेड डेटा मिल सकता है एयरटेल के वन वेब से। वैसा ही कुछ टाटा भी कर सकता है। इलोन मस्क के जो प्लान यूएस में है स्टारलिंक के, वो थोड़े महंगे, लेकिन वो भी दोस्तों भारत में जियो की जैसे करके यहाँ पे सैटेलाइट क्रांति लाना चाहते हैं, इंटरनेट क्रांति लाना चाहते हैं, तो वो भी अपने स्टारलिंक के प्लान जो होंगे सस्ते यहाँ पे रखेंगे, 1000 रुपए से कम में दोस्तों आपको टोटली अनलिमिटेड डेटा, अच्छी खासी स्पीड और सब कुछ मिलने वाला है। और सबसे बड़ी एडवांटेज, आप कहीं से भी यहाँ पे इंटरनेट को एक्सेस कर सकेंगे। यस, ये दोनों ही दोस्तों टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर बात करें दोस्तों मोबाइल की, मोबाइल पे जो खास स्पीड मिलती है वो आपको सैटेलाइट ब्रॉडबैंड में नहीं मिलती, क्योंकि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड में भी आपको एक जगह छतरी लगानी है और वहीं पे आप इंटरनेट यूज कर सकेंगे, उसको आप लेके नहीं जा सकते, मतलब मैंने मेरे कंधे पे रख लिया इंटरनेट चला रहा हूं, नहीं। लेकिन मोबाइल में 5G में दोस्तों आप जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां टावर ऑटोमेटिकली आपका फोन पकड़ रहा है, ऑटोमेटिक आप 5G यूज करें। तो ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लीजिए, पोर्टेबिलिटी की बात कर लीजिए, तो यहाँ पे 5G जो होगा बहुत पोर्टेबल होगा, बहुत हाई स्पीड आपको मिलने वाली है, ठीक है, सैटेलाइट इंटरनेट से ज्यादा, लेकिन वो महंगा होगा, प्लस वहां पे डेटा की कैपिंग होगी, डेटा आपको कम मिलेगा। लेकिन बात करें सैटेलाइट इंटरनेट ब्रॉडबैंड की, वो सस्ता भी होगा और आपको उसमें भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, मतलब कहीं भी दोस्तों आप कहीं भी रह सकते हैं, आपको कोई जरूरत नहीं आपके घर में टावर है, आपके एरिया में टावर है, नहीं कोई जरूरत नहीं, सैटेलाइट होना चाहिए, ये सबसे बड़ा एडवांटेज होगा। गांव कहीं भी आप सैटेलाइट इंटरनेट ब्रॉडबैंड यूज कर सकेंगे, सस्ता होगा, अनलिमिटेड होगा। तो दोनों ही टेक्नोलॉजी दोस्तों बहुत आगे यहां पे होने वाली, 2022 जो होगा भारत के लिए खास करके डिजिटल युग होने वाला, जहां पे हम इंटरनेट क्रांति को दोस्तों बहुत आगे तक बड़े स्केल पे देखेंगे, क्योंकि पिछले 2-3 साल के अंदर लोगों के पास स्मार्टफोन तो आ चुके हैं और अब दोस्तों 5G फोन बिकना स्टार्ट हो गया, मतलब हर इंसान अपने मोबाइल पे इंटरनेट यूज कर रहा है। लेकिन अगर सैटेलाइट इंटरनेट ब्रॉडबैंड भी आ जाता तो क्या होगा, वो आपके घर में दोस्तों ब्रॉडबैंड लगा दिया, वाईफाई लगा दिया, तो पूरे घर के सारे लोग यहाँ पे इंटरनेट को एक्सेस कर सकेंगे। तो दोनों ही चीजें दोस्तों अपने हिसाब से सही है। मोबाइल के लिए अगर बात कर ली जाए, पोर्टेबिलिटी की बात कर ली जाए दोस्तों, तो यहाँ पे 5G बहुत आगे जाने वाला है, अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे चाहते हैं सस्ता, टिकाऊ और बेहतरीन ऑप्शन, तो यहाँ पे सैटेलाइट इंटरनेट ब्रॉडबैंड सब कुछ कंप्लीटली चेंज करेगा। लेकिन दोनों की कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों अपनी अपनी जगह पे यहाँ पे
बेस्ट ऑप्शन यहां पे होने वाले। तो दोस्तों ये कंपैरिजन, डिटेल कंपैरिजन, जहां पे आज हमने बताया कि 5G टेक्नोलॉजी किस तरह से भारत को चेंज करेगी, किस तरह से दोस्तों मोबाइल पे ही आपको 300-400 एमबीपीएस की स्पीड मिलेगी, किस तरह सैटेलाइट इंटरनेट ब्रॉडबैंड दोस्तों भारत की पूरी दुनिया को दोस्तों कंप्लीटली चेंज कर देगा, दोस्तों यहां पे इंटरनेट क्रांति ला देगा, जहां पे आप दुनिया के किसी भी कोने पे आप सैटेलाइट से डायरेक्ट इंटरनेट यूज कर सकेंगे, सस्ता टिकाऊ अनलिमिटेड डेटा आपको मिलने वाला है। तो दोनों ही दोस्तों टेक्नोलॉजी, दोनों ही प्रोजेक्ट दोस्तों विन विन सिचुएशन में आते हैं, बेस्ट ऑप्शन है। अभी आपको चूज करना है कि आपको कौन सा ऑप्शन पसंद है, क्या आप मोबाइल पे इंटरनेट यूज करना चाहते हैं कहीं भी चलते फिरते हैं तो आपके लिए 5G ठीक है, लेकिन आप एक ही जगह रहते हैं, घर में रहते हैं और आपको बेहतरीन सस्ता फास्ट स्पीड चाहिए तो आपके लिए सैटेलाइट ब्रॉडबैंड एक बेस्ट ऑप्शन यहां पे रहने वाला है। ये वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो थम्स अप जोर दे देना, आपके भाई का चैनल इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, शायद दोस्तों के साथ उन्हें डिफेंस लगेगा, पहली बार हमारे चैनल पर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, जो लाल कलर का बटन है इसको जो दबा देना, उसको दबाने से आप हमारी छोटी सी टेक्नोलॉजी फैमिली के VIP मेंबर बन जाएंगे। और दोस्तों ये घंटी का बटन है इसको जोर दबा देना, क्योंकि इसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा ना, सबसे पहले आपकी घंटी बज जाएगी आपके फोन की और आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर के साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को आप यहाँ पे फॉलो भी कर लीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। सो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ। अपने बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।